बहुत सालों से भाइयों से मैंने इंतजार किया है, फ्राइडे जब
please, please, please go watch. It's a benchmark for every actor out there. And this is, I yeah, from the bottom of my heart. अरे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें जिसका जिनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे. आप प्लीज प्रमोट इट. अब मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. बेहतरीन बेहतरीन. रिचा, विकी, श्वेता, नीरज गेवंस डायरेक्शन, इट्स फ्लॉलेस. पता नहीं ऐसी 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 चीज के लिए वो डायरेक्टर पे है, प्रोड्यूसर पे है, बट एक कहानी अपने में एक कहानी है. थैंक यू. जादू है इस फिल्म में. एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान बसे हैं, उनमें से हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान है जिसे बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यार से नीरज ने दर्शकों तक पहुंचाया है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड आई होप कि सब जाकर ये फिल्म देखें और इसे प्यार दें, क्योंकि ये फिल्म बहुत 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 प्यार के काबिल है. बनारस के मतलब गंगा के घाट, जो प्रथा है, जो संस्कृति है, जो लोगों का रहन सहन है, एक जो नया देश उभर कर आ रहा है उस पुराने माहौल में, इतनी सादगी से, इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से नीरज ने इतनी सारी चीज़ें कह दी इस फिल्म में. कहना मुश्किल है, देखना ज़रूरी है. और मैं सच में तहे दिल से उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश के बहुत 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 सारे लोग जाकर ये फिल्म देखें. ये हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जिनके बहुत पहलू आगे और भी उभर के आ सकते हैं, और यही खूबसूरती है इस कहानी की. हाँ बिल्कुल, पार्ट टू बन सकता है, बहुत काफ़ी पार्ट्स बन सकते हैं. जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स होंगे. नहीं आज नहीं, आज सिर्फ मसान की बात है. थैंक यू. मसान फिल्म इतनी अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है. इट्स ऑल अबाउट नो हाउ लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग द डेथ एंड द लाइफ. सो नीरज हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड रिचा एज यूजुअल शी इज़ ब्रिलियंट एंड विकी इज़ द गाय टू लुक आउट फॉर ऑल्सो इन द मूवी. और इट डिडंट सीम एज इफ दिस इज़ हिज डेब्यू फिल्म एंड ही इज़ डन रियली गुड जॉब. हाँ जी क्या बताऊँ. हाँ जी उनके बारे में क्या बताना है, वो तो है ही बहुत अच्छे एक्टर. देखिए आप अगर जहाँ बाप की बात लेकर आएंगे तो मेरे लिए तो बहुत ही इमोशनल और टची टॉपिक है, पर जो इसके अंदर पूरा दिखाया है कि जब माँ नहीं होती, अगर मैं जब खाली बाप और बेटी होते तो उनके बीच में कॉन्वर्जेशन जो होता है वो बहुत अपर लेवल पर होता है. अगर आप डीप कॉन्वर्जेशन भी करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है. तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट आ जाती है जहाँ पे आप ज़्यादा बात नहीं कर पाते. जी ये मैंने फिल्म रिलीज़ होने के पहले पहनी है, और एक्चुअली
जनरली नेक में पहनते हैं, पर जब ब्रेसलेट आया तो मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे गले का नहीं चाहिए। जी मैंने 2 बार देखी, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है। अगर सलमान खान फिल्म की बॉडी है तो हर्षाली वो फिल्म का सोल है, तो बहुत अच्छी मूवी है। लाइक और इंडो और पाकिस्तान का जो उन लोग ने मेल दिखाया है, इट्स अ मूवी विच इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान एट ऑल, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया। जी मेरी अभी शूटिंग चल रही है तो होपफुली मैं ये ईयर एंड तक मेरी मूवी रिलीज हो जानी चाहिए, हेट स्टोरी 3। जी थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोचा नहीं था इतना रिएक्शन होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर ये गैंग्स ऑफ वासीपुर नहीं है। मसान एक ही होगी बस, इसके आगे नहीं होगा। सभी लोग बात नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो था कि कोई बता नहीं पा रहा था कि कितना हमको पसंद आया। बहुत अच्छी लगी लोगों को। सॉरी हाँ, हाँ वो बहुत मतलब अजीब सा हो गए थे, आके बहुत देर गले मिले। अभी तो पता नहीं कि कंफर्मेशन हुआ नहीं है, देखते हैं। कल भी स्क्रीनिंग है, हाँ कल भी काफी लोग आ रहे हैं, पता नहीं अभी देखते हैं। अगर आ जाए तो इनवाइटेड है, अगर उनको वक्त मिलेगा तो जरूर आएंगे। थैंक यू, आप लोग रुके 2 घंटा 2 घंटा हो गया करीब। थैंक यू सच में, आप लोग बाहर थे, हम सोच रहे थे आपके बारे में। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। ये बात आप किसी और से नहीं कहिएगा, इसलिए बिल्कुल मत कहिएगा 24 तक का, नहीं तो लोग तो आए 24 को नहीं। बट अच्छा लग रहा है, ट्रायल के लिए आए हैं, पहला स्क्रीनिंग है, एक्साइटेड हूँ। थैंक यू, अच्छे लगे। एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग था, एक एक्साइटिंग प्रोसेस था। नीरज के साथ काम करना, वरुण के साथ, अविनाश, अरुण, सारे टेक्नीशियंस जो हमारे को एक्टर्स थे, सबके साथ काम करना एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ेदार था। ऋचा जी, संजय मिश्रा जी, पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला ऑन सेट ऑफ सेट। एंड इनके साथ मैं वासेपुर में भी काम कर चुका था, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ेदार था। जुबान तकरीबन अक्टूबर तक आनी चाहिए, अभी तक टेंटेटिव है। जुबान के बारे में अभी बताना बहुत जल्दी होगा, मसान के साथ साथ इसका टीज़र आएगा तो तब, बट आई थिंक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहले ये बात निकाले तो ज़्यादा अच्छा।